तो भाई इस वक्त बज रहे हैं कोई सुबह के 4:30। आपके भाई का प्लान बन चुका है कि कराची टू हैदराबाद ट्रेवल करना है इस टाइम पे, लाजमी लाजमी, लेकिन विदाउट बेगम भाई। ये जो मेरी बेगम है ये इतना सैड हुई है, मैं मना कर रही है कि मत जाओ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं जाऊँ और आ जाऊँ जल्दी से। आप जब सो के उठोगे मैं आ भी चुका हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखना और सो जाना। हाँ, पढ़ के फूक दो दिल कुर्सी। सुहेब फ्रॉम व्हाट्सएप के साथ, सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो भाई हम लोग जा रहे हैं हैदराबाद बाईपास मंडी। वहाँ पे ये है कि गाय वगैरह भाई मंडी लगती है। अगर कुछ अच्छा लगता है तो भाई कुर्बानी के लिए अभी से कुछ ना कुछ परचेज कर लेंगे। अगर नहीं समझ आया तो वैसे घूमने जा रहे हैं, लेकिन अगर कुछ मिलता है तो ओके। पैसे शैसे उठा ले भाई, थोड़े से रास्ते में काम आएंगे। लकी हिफाजत में जाए, लकी हिफाजत में वापस आए। ओके बेगम, लव यू। भाई यहाँ पे सारे बॉयज वगैरह बैठे हुए हैं। भाई चलो यार, क्या मतलब कोई एक्टिंग, सो रहे हो? थोड़ा सा लेटा हूँ। चलें भाई, देर हो रही है। आप आए कनाडा से और आपको हम मंडी ना लेके जाएं, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। जा कर रहे हैं हम लोग मंडी जा रहे हैं, आपको नहीं पता? मंडी हैदराबाद बाईपास मंडी। बस खैर हो गए, टेंशन नहीं है। देखो भाई, ये यहाँ पे बैठ के टीवी देख रहे हैं दोनों के दोनों। भाई मंडी जाना है, उठो ना यार, देर हो रही है यार। चलो उठो उठो, शाबाश शाबाश। भाई सुबह के 4:30 बज रहे हैं और हमें वहाँ फजर के बाद, मतलब जब सवेरा होना शुरू होता है, तो भाई हमें एनी हाउ उधर होना है। आपका भाई तो फुल रेडी शेडी होके खड़ा हुआ है। तो बगैर किसी देर के फटाफट से निकलते हैं। سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون يا الله پاک ہم خیر سے جاؤ خیر سے واپس آئیں ویٹنگ فار آور بوائز اور ایک بوائے کو راستے سے اٹھانا ہے اور ایک سو رہا ہے صبح سب نکلنے کی کرتے ہیں اے بھائی جلدی بیٹھ جلدی بیٹھ تجھے پتہ نہیں ہے منڈی جانا ہے یہاں پہ پتہ نہیں چوکی داری کر رہا ہے جلدی بیٹھ جلدی اچھا آپ اس کو بیچ میں بٹھائیں گے ہاں بھائی بیچ میں بیٹھیں گے چلو بھائی یہاں سے ہوتا ہے ہمارا سفر کا آغاز ایک دوست اور ہے ہمارا ہم نے اس کو کال کری وہ کال نہیں اٹھا رہا ایک بار اور کال کر پتہ ہے نا رات کا ٹائم ایسا ہی کسی کو زیادہ کال एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है 1xBet, जिस पर तुम लोग अपनी मर्जी का लाइव स्पोर्ट्स एंजॉय कर सकते हो और तो और मजे की बात, अपनी फेवरेट टीम्स को सपोर्ट भी कर सकते हो। और जैसे की बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मैचेस भी चल रहे हैं, तो अभी रिसेंट मैच हुआ था ढाका वर्सेज रंगपुर राइडर्स। इसी तरह लीग के आने वाले मजीद मैचेस को लाइव एंजॉय करने के साथ साथ अपनी फेवरेट टीम्स को सपोर्ट भी कर सकते हो। और तो और भाई मजे की बात, 1xBet से आप लोग ढेर सारे रिवॉर्ड भी जीत सकते हो, जैसे कि लैपटॉप, फोन, गाड़ी वगैरह, बहुत कुछ। तो भाई फिर देर कैसी, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करो, जाके खुद को रजिस्टर करो, भाई का प्रोमो कोड यूज करना ताकि आप लोग को आपके पहले डिपॉजिट पे मिले भाई 39,000 का बोनस। चलो जी, लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सुबह सब ये है हमारा पहला स्टॉप और हम लोग यहाँ पे रुक चुके हैं और यहाँ से हमें कुछ खाने पीने की चीजें परचेज करनी, क्योंकि है तकरीबन 1-2 घंटे का रास्ता। तो रास्ते में तो भाई भूख सूख लगती है ना, चलो अंदर चल के कुछ ले लेते। आ जाओ जो खाना है पीना है भाई ले लो, रास्ता बड़ा लंबा है। ओनर को बुला दो, मैं पेपर साइन कर लेता हूँ, स्टोर अपना ले लेता हूँ। शेजोर में थोड़ी आए, शेजोर में जिस दिन आएंगे ना उस दिन डाल के लेके जाना। चलो भाई ढूंढते 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 क्या है भाई, कोई जूस शूस पकड़ लेते। एक तो बड़ा ख्याल रखना पड़ता है की भाई ये वाली चीजें भी तो है ना, बड़ी बॉयकॉट शॉयकॉट वाली। तकरीबन ऐसा सीन चलता है कि भाई हमें पता ही नहीं होता है कि इसराइली ब्रांड्स क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हमने कभी इन चीज़ों पर फोकस किया ही नहीं। अब जो जो नॉलेज आती जा रही है ना आहिस्ते आहिस्ते, तो हम उन चीज़ों को कोशिश करते हैं कि वो उनको अपनी ज़िंदगी से बॉयकॉट करें। अब जो पता ही नहीं है, गलती से खा रहे हैं पी रहे हैं, अब आप लोग कमेंट्स में बोलोगे कि ऐसा ऐसा था, तो ये चीज़ मैंने बोला कि आपको क्लियर कर दूँ इन फ्यूचर के लिए भी और पास्ट के लिए भी। नाचो नाचो भाई, तो बहुत गंदा नाच रहे हो, तुम छोड़ दो ये, तुम नाच के दिखा। ओए होए ओए होए भाई, इसको मंडी में नचाएंगे फिर। अच्छा भाई रास्ता बड़ा लंबा है और नींद बड़ी आई हुई है, रात भर के सोए नहीं है, तो मैंने सोचा कि भाई हम एक कॉफी भी पी लेते हैं। अच्छा भाई चलो देखते हैं। हाँ भाई कॉफी हम कौन सी पीनी है कौन सी पीनी है, लाटे पियेंगे। नहीं भाई ये खुद ही बन रही है यार, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, माना जदीद हो गया है, आपने सिर्फ सेलेक्ट करना है। कैपुचिनो पियेंगे, लाटे पियेंगे, क्या पियेंगे? लाटे। छोड़ो यार, ठीक है यार ये मेरी हो गई, आप अपनी निकाल के आ जाओ। कड़क चाय भी है, कश्मीरी टी भी है, सब है भाई। ओए कप तो सही रखो, कप सही रखो भाई, ये रख दिया हमने कप। आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर दो, खुद ही आ जाएगी भाई, इतना मुश्किल भी नहीं है भाई। वैसे भाई सारा सामान हमने कर लिया परचेज और ये कॉफी ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान शुगर ऐड करना भूल गया। ऐसा लग रहा है हम लोग सखड़ जा रहे हैं, इतना सारा सामान इन्होंने हाथों में भर लिया। अरे लेडीज चीजें तुमने ही खरीदी होंगी। पिंक पिंक कपकेक किसने लिए? मैंने नहीं उठाए। अभी कुछ होगा फिर ये बोलेंगे कट कट कट। तो चलो भाई बिस्मिल्लाह करते हैं और निकलते हैं अपने सफर पे। और भाई देखो ये तो होता ही है जब ट्रैकर बंद हो जाए तो। भाईजान क्या कर रहे हो ये?
अबे भाई ये जॉब सही है भाई। और भाई सडन प्लान्स में अक्सर ये होता है कि ट्रैकिंग कंपनी को बगैर बताए निकलो तो गाड़ी रुक जाती है। कहते हैं प्रोग्राम बढ़ गया। और भाई ट्रैकिंग वाले जो है ना इस वक्त गहरी नींद में सो रहे हैं, फंस गए हम तो। रोड पे सब बैठ गए, वेट कर रहे हैं कि ट्रैकिंग वाला खोले और यहाँ पे एंजॉयमेंट चल रही है। जल्दी से ट्रैकर खोले तो कंटिन्यू करते हैं भाई। 2 hours later कोई एक डेढ़ घंटा हो गया भाई, सुबह भी हो चुकी है और पता नहीं क्या हो रहा है भाई। मुझे तो लग रहा है मंडी का सीन कैंसिल ही हो गया है। लेकिन वो सुना है ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगली ट्रेन कब आएगी भाई? कल परसों तक तो पहुंच ही जाएंगे। प्रोग्राम तो बढ़ गया। कॉपी नहीं करो। सुबह के 9:30 बज चुके भाई। गाड़ी स्टार्ट कर भाई। कॉल नहीं उठा रहे यार। अल्लाह का नाम लेके करता हूँ बॉस। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी तो खाउदीन हजरत, ये स्क्रिप्टेड था बट ये स्क्रिप्टेड नहीं था। फाइनली हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है और अब हम जा रहे हैं हैदराबाद की बाईपास मंडी। अब बगैर किसी बात के भाई दिखो भगाते हुए भाई। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सुभान अल्लाह जी सकर लना हाजा व मा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनकलिबून। या अल्लाह पाक बगैर किसी ट्रैकर की पंचायत से हम पहुंच जाए। आ गया भाई हैदराबाद आ गया फाइनली। जाओ भाई उठ जाओ। ओए वो तो सो रहे हैं भाई फुल डेर हुए में। आप भी सो रहे थे आप फौरन उठ गए। 6 घंटे के मैं जाग रहा हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई आज या तो कोई पनौती है या तो अल्लाह की कोई बेहतरी है। आप लोग मेरे पीछे टूल देख सकते हो हैदराबाद का और यहाँ पे आके एक बार फिर से हमारा प्रोग्राम तो बढ़ गया। अब हमने सोचा कि भाई गाड़ी पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम यहाँ से कोई रक्षा शिक्षा कराते हैं और रक्षे वाले के साथ चलते हैं बाईपास मंडी। वहाँ से वापसी आएंगे ना कोई मैकेनिक देख लेंगे या तो ट्रैकर का मसला है तो वो भी देख लेंगे। तो मतलब जो भी होगा मसला हमारा हम बाद में आके हल कर लेंगे। चलो भाई रिक्शा ढूंढो रिक्शा ढूंढो। रिक्शा ढूंढना है भाई अब रिक्शे में चलते हैं। भाई रिक्शा ढूंढो रिक्शा ढूंढो। ढूंढ लिया भाई ढूंढ लिया भाई। रिक्शा इधर आ जाओ बस आज। तो भाई रात के 5 बजे हम निकले थे और अभी इस वक्त बज रहे हैं 11:30। तो भाई हम फाइनली 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 मंडी पहुंच चुके हैं। भाई यहाँ पे तो सारे बकरे शकरे हैं भाई। आगे चल के देखते हैं क्या है क्या नहीं है। गाय देखनी है गाय ढूंढो गाय किधर है इधर। बेटा आ जाओ जल्दी आ जाओ भाई। कैसा लगा फिर ये वाला मंडी? अभी देखी तो है नहीं। ओए होए भाई ओए होए भाई माशाल्लाह माशाल्लाह भाई यहाँ तो दुम्बे भी मौजूद है। हर तरफ आवाज आ रही है वे वे भाई हमें सुननी है मो। भाई क्या मांग रहे हो? टेढ़ा बकरा। टेढ़ा नहीं है बरबरी है अली भाई। बकरे ही बकरे। हम गाय देखने आए यार गाय किधर है? इतने प्यारे प्यारे टाप रहे हैं भाई। ऐसी फीलिंग आ रही है भाई बकरा ईद वाली फीलिंग आ रही है। बिल्कुल भाई वही फीलिंग है यार। बकरा ईद की वाइब्स होती है ना हम लोग बहुत मिस करते हैं। तो भाई मैंने इतना लंबा सफर तय करा मैंने सबका प्लान वगैरह बनाया। मैं बोला नहीं भाई हमें मंडी वाइब्स तो चाहिए। एक्चुअली हम हैं मंडी लवर। ओ भाई साहब जानवर दिख गए माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। लेकिन ये दूध वाली गाय आ जाओ आगे चलो साहब जानवर ही जानवर है यहाँ तो भाई। और एक सरप्राइज आप लोग के लिए है कि अगर 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 मेरे दिल पे कोई चीज लगी तो वो मैं यहाँ से परचेज करके ले जाऊंगा। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह भाई गाय के साथ गाय के बच्चे भी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो सारी भाई दूध वाली गाय बछड़े आगे मिलेंगे। ये देखो भाई ये भी माशाल्लाह पहला बछड़ा दिख चुका है भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह नाव जालर में प्रिंट में देखो भाई हर चीज में पूरा है। हाथ लगा लूं भाई काफी टाइम बाद आया हूं ना यार मंडी में। होए होए भाई साहब यहाँ तो सारे खूबसूरत खूबसूरत है भाई। मैं आप लोग को दिखाऊंगा आज एंजॉय कराऊंगा। अच्छा ये देख सकते हो आप लोग ब्राउन और व्हाइट इतना प्यारा। ओए होए होए भाई कितने प्यारे हैं। अभी तो बकरीद में टाइम है इनको अगर पाले ना बंदा यकीन करो यार। ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह। खूबसूरती देखो यार माशाल्लाह प्योर गुलाबी प्योर माशाल्लाह। ओ भाई साहब माशाल्लाह माशाल्लाह भाई इतना प्यारा जानवर है लेकिन यार इसके 6.5 लाख रुपए मांग रहा है। जानवर प्यारा है लेकिन यार 6.5 लाख तो ज्यादा है। इसके भी 6.5 लाख ही मांग रहा भाई। महंगी है खूबसूरत है लेकिन महंगी है यार। ये है। बहुत आते है भाई लेकिन ये बहुत प्यारा है माशाल्लाह। आप जालर वगैरह मेरा दिल आ रहा है लेकिन बहुत महंगा है।
अरे भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बोल रहे थे आप यार? ये दोनों लेके पाल लेते, पागल हो गए? ये पीछे पल तो रहा एक, और कितने पालूं भाई? माशाल्लाह माशाल्लाह, एक और जानवर हमने खुलवा लिया है, देखते हैं भाई। यार ये वाला पसंद आ रहा है क्या? अरे भाई ये लोग तो बोल रहे हैं कि खरीद लिया भाई, माशाल्लाह भाई, चला के दिखाओ जरा इसको। यार समझ तो आ रहा है भाई, इसमें बात तो यार माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, बहुत बात करते हैं इसके सौदे की, कोई सस्ते में अगर हो जाए। नहीं भाई वो तो 470 से कम ही नहीं कर रहा यार, बछड़ा अच्छा था उसके 3 लाख रुपए लगा दिए, लेकिन नहीं भाई वो बोल रहे 470 मतलब 470, 3 लाख रुपए में अगर वो होता ना बछड़ा, मतलब बहुत अच्छे रेट लगा दिए थे भाई। या मुस्लिम हो या शिया हो या सुन्नी हो, अली को जो भी ना माने हलाली हो नहीं सकता। नारा तो भाई मस्त है। चलो भाई आगे चलते हैं भाई, देखते हैं, और हम तलाश में हैं किसी उस जानवर की जिसकी नाक गुलाबी और नुकड़ा हो। आपस की बात ये कि नींद उड़ गई कसम खुदा की, यहाँ पे खूबसूरती देख के ना, ये तो होना था ना भाई। यार ये वाला जानवर भी बड़ा प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह यार, इसको चला के तो दिखाओ जरा यार। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए होए होए भाई साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, इस तरह का जानवर अगर मिल जाए ना भाई, वो पलने के बाद ऐसा हो जाएगा ना, अल्हम्दुलिल्लाह। ओए होए 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 माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, ओए होए होए हां कर रहे हो गई, ओए अब तुम क्यों आ गए? हो गया बनाए ना अभी, अरे बछड़ा लिया नहीं लिया? ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह परचेस। हो गया क्या वाकई में? अल्हम्दुलिल्लाह यार भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अल्हम्दुलिल्लाह ये दिखाना है क्या? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखाना। बछड़ा आ गया माशाल्लाह माशा, पीछे तो देख एक और है। नारा अली। तो भाई साहब फाइनली भाई बहुत ज्यादा खुशी है, क्योंकि हमने अपनी कुर्बानी अभी से परचेज कर ली है और इसको हम पालेंगे इंशाल्लाह 3-4 महीने जितने भी हैं। तो भाई बड़ा ही मतलब एंटीक सीन होने वाला है जो भी है, मतलब माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए। मैं इसलिए अभी दिखाऊंगा नहीं कोई चीज, क्योंकि नजर बहुत गंदी चीज होती है। तो हम फटाफट से चढ़ाएंगे गाड़ी में, देन उसके बाद हम निकलेंगे और सीधा पहुंचेंगे कराची। खुशी होती है कभी कभी, ठीक है भाई, इतनी छोटी उम्र में बंदा इतना कामयाब है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई गाड़ी में जानवर वगैरह लोड करा दिया हमने अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी हम यहाँ पे आए कि यहाँ से कुछ खाने पीने का सामान उठाते हैं फिर निकलते हैं। और रही खाने की बात, तो वो तो रास्ते में कोई दाल रोटी तो खानी खानी है। हाँ भाई मजा आ रहा है गाय के साथ। इनको लेके किधर जाना है? इनको कराची लेके जाना है हैदराबाद से। भाई बैठो बैठो, चले निकले यार, आ जाओ हैदराबाद तो कुछ ना कुछ लेके जा ही रहे। चलो भाई चले, जितना फार हुआ है तो भाई मेहनत तो वसूल करनी थी हमारी। चलो भाई बिस्मिल्लाह करके निकलते हैं। भाई साहब हम लोग वापस हैदराबाद के टूल गेट पे आ चुके हैं। ये रही हमारी ये वाली गाड़ी, वो खड़ी भाई हमारी दूसरी वाली गाड़ी। हाय 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 भाई, हाईवे का रोड क्रॉस करने का भाई अपना मजा है। अब हम ऐसे चल रहे हैं फुल मजे से, ट्रक रुको जरा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हमारी गाय हो चुकी है कुर्बानी की, डन। बस इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह इसको लंबी जिंदगी दे, सारे मामला साथ खैरियत से। चलो भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गाड़ी में बैठते हैं और फिर कुछ खाने पीने के लिए निकलते हैं। तो भाई वो वहाँ से हाथ पैर मुंह सब धो के आ रहे हैं भाई। फिर भी मारो, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे तकलीफ हो रही है। चलो 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 जल्दी बैठो भाई, आ जाओ। सो गाइस लेट्स गो बैक टू कराची। तो ये सारी चीजों के बाद थकाने के बाद हम यहाँ पहुँच गए हैं कुछ खाने। हाय 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 भाई, क्या एनवायरनमेंट है यार, ओए होए होए। लेकिन ये कि अभी हम आउटडोर कर नहीं सकते, तो हम इंडोर बैठ के ही खाएंगे सुकून से। चलो जी बिस्मिल्लाह। वाह भाई हाईवे पे भी ऐसे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स बन गए यार, वाह। अब यहाँ पे बैठ के करते हैं थोड़ा सा रेस्ट और ऑर्डर करते हैं जल्दी से खाना शाना, खाना वाना खाएंगे, जब तक वो भी पहुँच जाएगा तो फिर ये है कि हम फार्म जाएंगे। और भाई ये आ चुका है हमारा सुबह का नाश्ता प्लस खाना। चलो फटाफट से अपना नाश्ता और खाना करते हैं और फिर उसके बाद निकलते हैं। वो धोगे भाई फ्रेश हो गए सारे के सारे हैं, खाना खाओ खाना। हाँ भैया। 2 hours later। सुबह से फाइनली हम लोग फार्म पहुंच चुके हैं जहाँ पे हम लोगों ने पलवानी है अपनी गाय शायद। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी, तो ढेर सारा प्यार दिखा देना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्ट कर देना। और ये जो जानवर है ना भाई, ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग को बकरीद पे देखने को मिलेगा, और मैं भी इसके रिजल्ट्स का वेट करूंगा, क्योंकि हमने लिया है थोड़ा छोटा है, अभी इंशाल्लाह जब बड़ा हो जाएगा तो फिर हम इसको अपने घर लाएंगे। चलो जी ओके बाय।